शादी को यादगार बनाने को लोग क्या क्या करते हैं, कोई हवाई जहाज में शादी करता है, कोई विदेश जाकर। मगर संभल के चंदौशी में एक रोडवेज कर्मी ने अपने बेटे का विवाह राष्ट्रवाद को समर्पित कर दिया। CAA और NRC समर्थक रोडवेज कर्मी ने पुत्र के विवाह में दूल्हे ने तिरंगे रंग की पगड़ी पहनी, तिरंगे फूलों से बनी जयमाला दुल्हन को पहनाई, शादी में जनसंख्या नियंत्रण को कानून बनाने का प्लेफेक्स लगाया, वेकेंड हॉल को तिरंगे रंग से सजवाया और शहनाई संग शादी में देशभक्ति के गीतों की गंगा बही। तो वही हुई ना ये वाकई यादगार शादी। संभल राष्ट्रवाद के रंगों में सराबोर शादी की ये झांकी संभल जनपद की व्यापारिक नगरी चंदौसी से सामने आई है, जहां रोडवेज कर्मी अनिल मिश्रा के पुत्र मोहित मिश्रा के शादी में सब जगह तिरंगा नजर आ रहा था। दूल्हे ने तिरंगे पगड़ी पहनी, दुल्हन को तिरंगे रंग की फूलों की वरमाला पहनाई, वेकेंड हॉल में तिरंगे रंग से सजाया गया और तो और स्टेज पर जनसंख्या नियंत्रण को कानून बनाने की मांग का प्लेफेक्स लगाया। शादी में सहनाई संग देशभक्ति के गीतों की छटा बिखरी रही। राष्ट्रवाद के रंग में सराबोर एक अनोखी शादी में राज्य मंत्री गुलाब देवी ने वरवधू को आशीर्वाद देकर शादी का आनंद और बढ़ा दिया। यहाँ हम आपको एक और खास बात बताते चलें कि रोडवेज कर्मी को यह वही परिवार है जिसने शादी के कार्ड पर CAA और NRC का समर्थन किया था। लोगों को शादी का कार्ड देते समय CAA और NRC की वास्तविकता लोगों को बताई थी। दरअसल संभल समेत देश भर में CAA के विरोध के नाम पर उन रोडवेज बसों को जो हमें गंतव्य तक पहुंचाती हैं, में तोड़फोड़ और आजमी की रोडवेज कर्मी को बहुत दुख हुआ था। उन्होंने शादी के कार्ड पर न सिर्फ CAA NRC का समर्थन किया बल्कि लोगों को कार्ड देते समय CAA NRC की वास्तविकता बताई। इस अंजाम को व्यापक समर्थन मिला था। रात भर चले बेटे की शादी समारोह को राष्ट्रवाद को समर्पित कर रोडवेज कर्मी ने शादी को वाकई यादगार बना दिया है। जैसे कि आपकी शादी के कार्ड पर NRC और CAA का समर्थन किया गया था और अब आपके स्टेज पर जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग की गई, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? मैं बस यही कहना चाहूँगा, मैं अपने देश के लिए काफ़ी कुछ करना चाहता हूँ, देश प्रेमी हूँ और मेरे मतलब मुझे लगता है कि मुझे अगर जन्म मिला है यहाँ पे तो मुझे अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहिए। और मेरी फैंस का, मेरी वाइफ का कहना है कि मतलब वो NCC क्वालिफाई है, वो अपनी देश के लिए कुछ करना चाहती है, उसकी इच्छा है आर्मी ऑफिसर बनने की, जैसे कि वो अपने देश की रक्षा करे और काफ़ी हद तक कुछ देश के लिए सपोर्ट करे। ये मेरा बच्चा है मोहित मिश्रा सोनम, इन दोनों की शादी आज हुई है और ये संयोग है इन बच्चों का या बच्चों का जो भी नसीब है कि आज इतना अच्छा कार्यक्रम, सफल कार्यक्रम हुआ है। और मेन सबसे ज़्यादा जो हमें खुशी है कि जो हम राष्ट्रहित की और राष्ट्रीय भावना से जो हमारा दिल और हमारे बच्चों का दिल ओतप्रोत था, उसका हमें सभी लोगों को भरपूर समर्थन मिला। कोई भी राष्ट्रहित का कार्यक्रम जो होता है वो अगर हम ऐसी जगह, अगर हम उसे थोड़ा ऐसी जगह भी हम अपने शादी के जैसे प्रोग्राम में लोगों को गाइड करेंगे तो शायद बहुत ज़्यादा लोग मन से इसे स्वीकार करते हैं। ऐसे ही हमने अपने कार्ड में भी NRC CAA का समर्थन छपाया था। हम जानते हैं उससे किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन लोगों को गलतफहमी पैदा करी हुई है। आज सबसे मेन ये है कि हमारे देश में जितना भी विकास होना चाहिए उस विकास में जो बाधक है वो हमारी जनसंख्या विस्फोट है। हमारे मन में ये आया कि जनसंख्या जो विस्फोट है, हमारे कोई भी साधन इतने होते हैं कि सरकार जो है आज हमारे 135 करोड़ लोगों का सोच के चलती है, दो साल बाद 150 करोड़ हो जाएंगे। और इस पे भी नियंत्रण होना चाहिए और जनसंख्या नियंत्रण का जो है कानून का हम मांग करते हैं। और हमारा सभी ने बहुत सहयोग किया, यहाँ तक कि हमारी राज्य मंत्री ने जब हमारी भावनाएँ देखी और उन्हें ये पता पड़ा कि इस कार्यक्रम में ये राष्ट्रीय भावना से भी वो शादी है, तो आशीर्वाद देने को बधाई और हमारे विचारों का और हमारे हर चीज़ का बहुत समर्थन है। जी, यहाँ पर भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगाए। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें क्या बात है? क्या ये यही थोड़ी है कि हम 26 जनवरी पे हिंदुस्तान जिंदाबाद करें, 15 अगस्त पर ही जिंदाबाद करें? ये तो हम जिंदाबाद कभी भी कर सकते हैं, ये हमारी भावना है, कभी भी जिंदाबाद कर सकते हैं। ये नहीं है कि केवल हम उस पर ही जो है भावनाओं, 15 अगस्त के बाद लोग भूल जाते हैं, 15 अगस्त छुट्टी के लिए सेलिब्रेट करते हैं,
तो हमारी ये भावना है, हमेशा राष्ट्रीय हित की भावना है। ये एक बहुत अच्छी पहल है नव दंपत्ति के लिए। ये दंपत्ति सीए का भी समर्थन कर रही है और जनसंख्या नियंत्रण पर भी बल दे रही है। अगर इसी प्रकार की जागृति, यही चेतना, यही स्फूर्ति यदि हमारे नव दंपत्तियों में आ जाए तो जनसंख्या की जो ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है उस पर नियंत्रण लगेगा, जो राष्ट्र के लिए और समाज के हित में होगा। शादी के कार्ड पर इन्होंने सीए और एनआरसी का समर्थन छिपाया था और जहां देश में जगह जगह उस चीज को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था, इसमें क्या कहना? सीए का समर्थन उन्होंने कार्ड पर छिपाया है, ये एक अच्छी चीज है, एक नई चीज है। लेकिन जगह जगह जो विरोध हो रहा है वो ऐसे लोग विरोध कर रहे हैं जो जानकर भी अनजान बन रहे हैं, जबकि वो जानते हैं कि सीए से किसी को कोई नुकसान नहीं है, सीए किसी की नागरिकता में बाधक नहीं है। ये तो नागरिकता देने का एक बहुत अच्छा प्रावधान है और वो जानबूझकर हमारे देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी ये कोशिश नाकाम रही।